हाँ तो गाइस, इस ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है ऐसे कि आज हम आए हुए हैं कानपुर के मोती झील पार्क, जिसको हम कारगिल पार्क भी बोलते हैं। और ये पार्क जो है अब जो है सभी लोगों के लिए खुल गया है बहुत दिनों बाद। इस पार्क में जो है 4.5 करोड़ रुपए जो है नगर निगम के थ्रू जो लगा है, और अभी हम आपको पूरा जो है पार्क घुमाते हैं मेरे थ्रू। और इस पार्क में जो है 1.8 किलोमीटर का जो है सिंथेटिक ट्रैक भी जो है बनाया गया है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रैक में। गाइस, आप लोग जो है देखिएगा मेरे साथ और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कानपुर मोती झील, एक तरीके से कारगिल पार्क। और पार्क में जो है नई नई लाइटें लगी हैं, वाईफाई का जो है सिस्टम आपको अवेलेबल मिल जाता है। और देखते हैं, हम भी आपको घुमाते हैं इस पार्क में। चलिए गाइस, इस वीडियो को अब जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे ही मैं पार्क के अंदर इंटर हुआ, मेरे को ये स्वांस दिख गई थी एक तरीके से। और गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग आ गई थी। मतलब पार्क के अंदर मतलब जाने से पहले ही मेरे को ये चीज़ दिख गई थी। अगर आप लोग भी अगर कानपुर में हो तो एक बार मोती झील ज़रूर विज़िट करें, अभी आपको हम घुमाते भी हैं साथ में। ये है एकदम सामने का एरिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिंथेटिक ट्रैक जो बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे जो है आप जब आएंगे एक आपको अलग लेवल का जो है देखने को मिलेगा कानपुर का कारगिल पार्क, जो इन लोगों ने बनाया है नगर निगम के थ्रू जो बना हुआ है। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पिकनिक स्पॉट, रिलैक्सेशन एरिया, एकदम मतलब सब जो है एकदम डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया है, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी हम आपको जो है लेकर के चलना है एकदम सामने की ओर, जैसे कि जो है एकदम मेन गेट से एकदम जो सामने वाली रोड पर जाती हैं। यार पहले से जो है अब मैं फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है मेरे को कि ये जो है वही पार्क है, इतने दिनों बाद जो है ये खुला हुआ है ये पार्क। और पार्क खुलने के बाद से तो यार यहाँ पे जो है लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए कि आखिर यहाँ का जो है कैसा नहीं है ये। अभी जो है हम जो है मोती झील के जस्ट सामने वाली रोड में हैं, जैसे कि इनका जो ट्रैक 1.8 किलोमीटर्स का जो बनाया गया है गाइस, और बहुत बढ़िया बनाया गया है, बहुत बढ़िया बनाया गया है। आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको कानपुर की जो है अच्छी अच्छी जगह की जो है फ़ोटोज़ भी आपको देखने को मिलेगी, और आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग कानपुर में अगर एक बार हो, मतलब कि आए हुए हो, या कोई बाहर ये वीडियो देख रहा है, अगर कानपुर में अगर आप लोग आए हुए हो घूमने के लिए, सो गाइस आप लोग सिर्फ एक बार जो है मोती झील पार्क जो है ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि पार्क जो है पहले से बहुत अच्छा बना दिया गया है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस पार्क की जो है 10 रुपये एंट्री फीस है, जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता था, सो मैंने आपको जो है बता दिया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यार इस पार्क के बारे में जो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ धीरे धीरे मेरे को भी पता चल रहा है। मैंने आपको जितना था वो सब बता दिया, बाकी जो है अब आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है म्यूज़िक का आनंद लें। ये देख सकते हैं जैसे कि कितनी प्यारी लग रही है ये बतके, और क्या ही बताऊँ, मतलब मोती झील हो गया है कानपुर के, एक तरीके से जान आप समझ लो शान हो गई है मोती झील, इतना प्यारा बना दिया गया है। और सिंथेटिक ट्रैक जो इन लोग ने बनाए हुए हैं यार, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा सिंथेटिक ट्रैक है, कसम से बता रहा हूँ। मतलब जब मैं उसके ऊपर चल रहा था ना, मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को मतलब जो है 15-20 मिनट बाद जो मेरे को थकावट होती है वो चीज़ नहीं हुई थी मेरे को इसमें। और बाकी जो है आप देख ही सकते हो, अभी मैं आपको ये जितना एरिया जो आपको दिख रहा है ना, इसका मैं एक जो है आपको अलग से दिखाऊंगा कि ये सब जो एरिया जो है रबड़ से जो बना हुआ है, साइड में जो पार्क बना हुआ है, और ये रिलैक्सेशन एरिया जिम के लिए जो बना रखा हुआ है राइट हैंड साइड में, बहुत अच्छा बना रखा है। अभी उसकी भी मैं एक जो है आपको जो है प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं बना हुआ है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में जो वॉल पर जो पेंटिंग हो रही होगी, यार इस पेंटिंग का तो कोई कहना ही नहीं है। आप एक बार आओ इस पेंटिंग को जा करके, आप खुद अपने आँखों के सामने से जब देखोगे इन पेंटिंग्स को, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अपने देश की हित में जो है रखते हुए, याद रखते हुए इन सब पेंटिंग्स को जो है बनाया गया है। एंड जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा भाई यार मेहनत होती है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो यहाँ तक, तो गाइज एक लाइक और एक थम्सअप जो है आप लोग करिएगा अपने भाई के लिए, क्योंकि आपका भाई जो आपको पूरा कारगिल पार्क जो है आपको इस ट्रैक पूरा आपको जो है दिखाया है, और इस तरीके से जो है अभी तक किसी ने पूरा ट्रैक नहीं दिखाया। वीडियोज़ तो काफ़ी आई हैं बट किसी ने ट्रैक नहीं दिखाया इस तरीके जिस तरीके से जो है मैंने दिखाया है। अगर आपको जो है थोड़ी सी भी अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। और ये है
बच्चों का फन एरिया जोन था यहाँ पे जो है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यार जो अभी आपको जो है मेरे को दिखाना बाकी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है अंडर 12 जो है बच्चों का जो है गार्डन एरिया है। अगर आप लोग बच्चे हैं या किसी कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चे हैं तो वो लोग भी एक बार आइए और यहाँ पे जो है इंजॉय करिए अपने बच्चों। सो गाइज़, अगर आपको ये मोती झील वाली वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है आज ये वाली वीडियो बनाने में। एंड मौसम तो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा हो गया है यहाँ का, और पानी की बूंदें भी जो है आने लगी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में जो है 20 लाइक का एम रखते हैं, और लाइक तो आप कर ही दोगे। बाकी जो है मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।